नमस्कार मित्रों, हमारा एपिसोड नंबर 10 की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम राशियों के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 10 का 11th पार्ट है जिसमें कि हम राशियों के स्वभाव की बात करेंगे। तीन प्रकार के राशियों के स्वभाव होते हैं, चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां। चलिए इनके बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, जिससे कि नए नए अपडेट्स आपको मिले, नई नई जानकारियां आपको मिले, ज्योतिष में पारंगत होने का एक अवसर मिले। ठीक है, ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इसी का ज्योतिष का लाभ उठा पाएं। चलिए बात करते हैं राशियों के स्वभाव की। तीन प्रकार की राशियां होती हैं, चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां। चर राशियां कौन सी होती हैं? 1, 4, 7 और 10। ठीक है, ये चर राशियां होती हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां होती हैं। इनका स्वभाव चंचल स्वभाव होता है। स्थिर राशियां होती है 2, 5, 8 और 11। इट मीन्स वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इनका गंभीर स्वभाव होता है। द्विस्वभाव राशियां होती हैं, द्विस्वभाव मतलब होता है कि कभी स्वभाव में चर स्थिति और कभी स्थिर स्थिति, कभी चंचलता होती है, कभी गंभीरता होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, द्विस्वभाव राशि होती है। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, 3, 6, 9, 12 राशि। इट मीन्स मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये मिश्रित स्वभाव वाली राशियाँ होती हैं और इन ये द्विस्वभाव राशियाँ कहलाती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जब भी आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो कम से कम इसको तो नहीं भूल पाएंगे, इतनी उपयोगिता है इसकी। चलिए कुंडली पर नज़र मारते हैं और जानते हैं कि कहाँ इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है, देखिए लग्न, लग्न में है द्विस्वभाव राशि, क्योंकि अभी बताया था हमने कि 3, 6, 9 और 12 संज्ञक राशियाँ जो होती हैं वो द्विस्वभाव राशियाँ होती है। कन्या राशि है, द्विस्वभाव राशि है। फोर्थ हाउस में द्विस्वभाव राशि है, सेवन्थ हाउस में और टेंथ हाउस में, सभी में द्विस्वभाव राशि होती है। द्विस्वभाव राशि का मतलब स्थिरता नहीं होती, कभी गंभीरता होती है, कभी चंचलता होती है, अनस्टेबिलिटी होती है। चाहे इनकी लग्न की बात कर लें, मतलब स्वभाव की बात कर लें, तो अस्थिरता होगी। इनके फोर्थ हाउस की बात कर लें, इनके सुख की बात कर लें, तब भी क्या होगा कि इनके स्थिरता नहीं होगी। कभी बहुत सुख वाली स्थिति होगी और कभी बड़ी मेहनत वाली स्थिति होगी। इनके पत्नी के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, उनकी द्विस्वभाव स्थिति होगी। और इसमें टेंथ हाउस में इनके प्रोफेशन की बात करते हैं, इसमें भी द्विस्वभाव स्थिति होगी। ठीक है, इन चारों के बारे में जानते हैं, बाद बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। अब इनके लग्न के बारे में बात करते हैं। लग्न का स्वामी मकर राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि कौन सी राशि होती है? चर राशि होती है, चंचल राशि होती है। तो द्विस्वभाव में चंचलता स्पेशली हो गई, तो इट मीन्स क्या हो गया कि इस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसमें चंचलता का पार्ट ज़्यादा है। हालांकि ये द्विस्वभाव है लेकिन फिर भी चंचलता मैक्सिमाइज है और बाद बाकी गंभीरता भी इसकी एक बेसिक नेचर का एक पार्ट है। गंभीर कम, चंचलता ज़्यादा है। ठीक हो गया। सुख की बात कर लेते हैं। सुख का कारक या लॉर्ड जो बैठा है, सुख भाव का लॉर्ड गुरु, गुरु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। देखिए ये सब हम बात कर चुके हैं पहले, अगर आपको एपिसोड देखेंगे तो उसमें हम बात कर चुके हैं। 9 नंबर का मतलब धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि कौन सी राशि होती है? वृश्चिक राशि होती है स्थिर राशि। इसका मतलब ये है, द्विस्वभाव तो लग्न है लेकिन स्थिरता इनके या गंभीरता इनके स्वभाव में अधिक है। धनु राशि का स्वामी स्थिर राशि में है, द्विस्वभाव का स्वामी स्थिर राशि में है, तो इसका मतलब स्थिरता इनके जीवन में ज़्यादा है। सुख की अगर बात करें तो सुख में स्थिरता ज़्यादा है। ठीक हो गया। इनकी पत्नी के स्वभाव में बात करते हैं, अगेन उनका स्वभाव, इनका स्वामी जो है गुरु और वो स्थिर राशि में, इसका मतलब इनकी पत्नी भी गंभीरता ज़्यादा है। प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन का कारक मिथुन, मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध और बुध है
मकर राशि में, और मकर राशि कौन सी राशि होती है? चर राशि। इसका मतलब इनका जो प्रोफेशन होगा वो चर स्थिति में ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स कि फ्लक्चुएशन उतना नहीं है जितना कि द्विस्वभाव लग्न में दिखाई दे रहा है। और भी चीज़ें कंसीडर होंगी, जैसे जैसे हम सीखते चले जाएंगे उन चीज़ों को कंसीडर करते चले जाएंगे। अभी इनिशियल लेवल पे आपको ये समझना है कि इसका उपयोग कैसे होना है, तो हमने उपयोग का इसका एक तरीका बताया है। बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जगह जगह पर ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो चर स्थिर या द्विस्वभाव में से किस प्रकार की राशि है। इसमें देखिए मुहूर्त के टाइम पे भी इसका उपयोग होता है। जब मुहूर्त निकालते हैं ना, तो जैसे कि पंडित जी आप बात करते हैं कि दुकान खोलनी है मुहूर्त, तो चर लग्न में मुहूर्त निकालते हैं। चर लग्न रिफ्लेक्ट करनी चाहिए गोचर में, जिस समय पे पूजा हो रही होती है, जिस समय पे मेन हवन हो रहा होता है या फिर एक प्रोसेस चल रहा होता है पूजा का, उस समय में चर लग्न अगर होती है तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें होंगी वो बेहतर रहेंगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए मकान का मुहूर्त कराना है आपको, तो मकान का मुहूर्त जब देखेंगे तो उसके लिए जब वो देखेंगे मुहूर्त, तो वो देखेंगे स्थिर लग्न वाला, स्थिरता चाहिए, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से उपयोग कई जगह होगा, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे इसकी उपयोगिता समझते चले जाएंगे। आई थिंक आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा इन चीज़ों को। बात की का थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहें चीज़ें और अच्छी पकड़ बनती चली जाएगी। आज हमने बात करी राशियों के स्वभाव के बारे में, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे राशियों के बल के बारे में बात करेंगे। एक बल की बात हम बात कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो एपिसोड नंबर 10 का, और पार्ट नंबर 9, एपिसोड 10 का पार्ट नंबर 9 में हम राशियों की जीव संज्ञाओं की बात करी थी, जिसमें द्विपद राशियां, चतुष्पद राशियां कौन से भाव में बली होती हैं, इसकी बात करी थी। अगेन हम बल की बात करेंगे, दूसरे बल की, राशियों के जो स्थिति होती है दिन में, रात्रि में और संधि मिलन में, अगर जन्म होता है तो किस तरह की राशियों की स्थिति होती है। नेक्स्ट जब बात करेंगे राशियों के बल के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।